Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों इस वीडियो में हम एक मनोविज्ञान का अगला टॉपिक मापन एवं मूल्यांकन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट में इससे अगर हर विषय में मिला दिया जाए तो 3 से 4 प्रश्न आते हैं। यूपी टेट में मापन और मूल्यांकन से कम 2 क्वेश्चन आते हैं। सुपर टेट में भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों हम देखते हैं कि मापन क्या होता है। मापन को अंग्रेजी में मेजरमेंट कहते हैं। दोस्तों मापन का मतलब होता है अंक प्रदान करना, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के अंदर जो गुण पाए जाते हैं उसकी मात्रा आंकिक या संख्यात्मक मान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। इसीलिए हमने यहाँ पे सीधा भी दिया है कि मापन मात्रात्मक होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति का नाम राम है, एक व्यक्ति का नाम श्याम है, तो राम गणित विषय में 50 अंक प्राप्त करता है जबकि श्याम गणित विषय में 70 अंक प्राप्त करता है। फिर यही जो राम और श्याम की गणित में योग्यता है उसी को हमने अंक प्रदान कर दिया कि गणित में राम की योग्यता 50 अंक पाने की है और श्याम की योग्यता 70 अंक पाने की है। अर्थात यही 50 अंक और यही 70 अंक जो है राम और श्याम का क्या कर रहा है, मापन कर रहा है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे इन दोनों की तुलना करते हैं कि राम श्याम से 20 अंक कम प्राप्त किया है, जो हम तुलना किए समझ लीजिए कि हमने क्या कर दिया, मूल्यांकन कर दिया, इनके मूल्यों को आंक दिया कि राम बेहतर नहीं है। अगर बेहतर कोई है तो कौन है, श्याम है, क्योंकि यह 20 नंबर अधिक पाया। तो आप कह सकते हैं कि राम से बेहतर श्याम है, तो यह उसका क्या हो गया, मूल्यांकन। बोर्ड ने यहाँ पे बताया है मापन वस्तुओं या घटनाओं की तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करना। दोस्तों संख्या प्रदान करने का मतलब अंक प्रदान करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। मापन 4 प्रकार के होते हैं, नामित मापन, क्रमिक मापन, अंतराल मापन और आनुपातिक मापन। इन चारों में सबसे घटिया किस्म का मापन होता है नामित मापन, यानी यह मापन सबसे निम्न स्तर का होता है, और सबसे उच्च स्तर या सबसे अच्छा मापन होता है आनुपातिक मापन, जो आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों नामित मापन हम सबसे पहले देखेंगे कि नामित मापन किसे कहते हैं। ऐसा मापन जो केवल और केवल नाम के आधार पर किया जाए। देखिए यहाँ पे नामित में नाम आ रहा है, नामित में अगर नाम आ रहा है तो ऐसा मापन नाम के आधार पर जो किया जाए उसे हम नामित मापन कहेंगे। अब यह चाहे किसी व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित गुणों के मात्रा के नाम पर किया जाए, चाहे किसी वस्तु के अंदर जो गुण निहित हैं उनकी मात्रा के आधार पर किया जाए। तो दोस्तों जब भी हम नाम के आधार पर मापन करते हैं तो वह क्या होगा, नामित मापन। जैसे आप व्यवसाय के आधार पर देखेंगे तो एक डॉक्टर हो गया, एक मास्टर हो गया और एक किसान हो गया, बस इन्हीं के नाम पे। जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है, मान लीजिए जौनपुर क्षेत्र है, जौनपुर क्षेत्र में डॉक्टरों की कितनी संख्या है, पता लगा कि डॉक्टरों की संख्या 30,000 है तो डॉक्टर का मापन हो गया इतने आसानी से। इसीलिए कहा जाता है कि यह सबसे निम्न स्तर का है। जौनपुर में मास्टरों की संख्या 5,000 है और जौनपुर में किसानों की संख्या 2,00,000 है। तो इस तरीके से अगर बस हमने संख्या प्रदान कर दिया या अंक प्रदान कर दिया उनके नाम के आधार पे, डॉक्टर के नाम के आधार पे, मास्टर के नाम के आधार पे, किसान के नाम के आधार पे, तो वही नामित मापन है। ऐसे किसी विद्यालय में या किसी जिले में या किसी ब्लॉक में विज्ञान वर्ग पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, कला वर्ग पढ़ने वाले और वाणिज्य वर्ग पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, वैसे किसी क्षेत्र में महिला और पुरुषों की संख्या, वैसे किसी निवास स्थान में कितने लोग गांव में रहते हैं और कितने लोग शहर में रहते हैं, ये बस गिन के बता देना कि इतने लोग गांव में रहते हैं, इतने लोग शहर में रहते हैं, उसी को हम कौन सा मापन कह देंगे, नामित मापन कह देंगे। दूसरा देखेंगे तो क्रमिक मापन। क्रमिक मापन को हम ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। इसमें लिखा ही क्रमिक में क्रम लिखा है, अर्थात ऐसा मापन जो हम क्रम के आधार पर करते हैं उसे क्रमिक मापन कहते हैं। जैसे दोस्तों देखिए धनी लोगों की सूची, आप कहते हैं कि फला व्यक्ति पहले नंबर पे है, सब विश्व का सबसे धनी है, कोई दूसरे पे है, कोई तीसरे पे है, कोई चौथे पे है, अर्थात क्रम से आप उनके गुणों के अनुसार क्या करते हैं, उनको दिखाते हैं। बस आप क्रम से दिखाए कि यह पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे और यह चौथे नंबर पे है, तो समझ लीजिए आपने कौन सा मापन कर दिया, क्रमिक मापन कर दिया। वैसे टीमों की रैंकिंग, इंडिया पहले नंबर पे है, पाकिस्तान दूसरे पे है, इंग्लैंड तीसरे पे है, इस तरीके से जब हम क्रम का मापन करते हैं तो उसी को क्रमिक मापन कहते हैं। प्राप्तांक के आधार पे,
कौन सा बच्चा क्लास में पहले नंबर पे आया है, कौन सा दूसरे नंबर पे आया है, कौन सा तीसरे नंबर पे आया है। इस तरीके से जब हम प्राप्तांक के आधार पर मापन करते हैं तो वह होता है क्रमिक मापन। वैसे योग्यता के आधार पर भी मापन होता है कि बच्चा अच्छा प्रदर्शन किया है, कि बच्चा औसत प्रदर्शन किया है, कि बच्चा खराब प्रदर्शन किया। उसकी योग्यता के आधार पर जब हम मापन करते हैं तो उसे भी हम क्रमिक मापन कहेंगे। तो इस तरीके से कोई भी उदाहरण आ जाएगा तो वह क्रमिक मापन होगा, जो क्रम के आधार पर होगा। अगला है अंतराल मापन। अंतराल मापन को हम इंटरवल स्केल कहते हैं। जब दो इकाइयों के मध्य अंतर समान हो तो इस मापन में, उस मापन को हम अंतराल मापन कहते हैं, और इस मापन में जोड़ व घटाने की प्रक्रिया हो सकती है। जैसे दोस्तों देखिए, अंतराल मापन का मतलब जैसे 1 से 10 अंक पाने वाले बच्चों की संख्या 5 है कक्षा में, 11 से 20 अंक पाने वाले बच्चों की संख्या 7 है, और 21 से 30 अंक पाने वाले बच्चों की संख्या 9। तो ऐसा मापन जब हम करेंगे तो वह अंतराल मापन इसलिए होगा क्योंकि देखिए 1 से 10 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 5 है, 11 से 20 अंक पाने वालों की संख्या कितनी है, 7 है, यानी अंतर निकालेंगे तो 2 है, फिर 7 है, तो उसके बाद 21 से 30 अंक पाने वालों की संख्या 9 है, फिर आप निकालेंगे अंतर तो कितना आ जाएगा, 2 है। यानी जब दो इकाइयों के मध्य अंतर समान आए, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पे जो है 31 से 40 की बात होगी तो बच्चा कितना होगा, 11 होगा, तो यहाँ पर भी अंतर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब इस प्रकार से अंतर समान हो किसी भी दो इकाई के मध्य, तो वहाँ पे कौन सा मापन होता है, अंतराल मापन होता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों आनुपातिक मापन है, जिसे हम रेशियो स्केल कहते हैं, इसी को हम परम शून्य मापन कहते हैं। परम शून्य मापन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एकमात्र ऐसा स्केल है जिसमें शून्य प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा जितने भी स्केल हमने यहाँ पे पढ़े हैं, चाहे नामित हो, चाहे क्रमिक हो, चाहे अंतराल हो, किसी में हम शून्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सब में से केवल आनुपातिक मापन में ही हम शून्य प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम परम शून्य मापन कहते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आनुपातिक मापन का मतलब है कि एक ही गुण दोनों तरफ होना चाहिए, बस उसमें अनुपात कर दीजिए। जैसे इंडिया और पाकिस्तान में मैच हुआ, इंडिया 5 मैच जीती और पाकिस्तान 0 मैच जीता। अगर 5 मैचों की सीरीज है तो क्या यह संभव नहीं है कि एक टीम 5 मैच जीते और एक टीम 0 मैच जीते। इसका मतलब इसमें 0 आ सकता है। लेकिन आप इधर देखिए कि अगर आप किसी का भी नाम ले लिए, डॉक्टर का, तो बताइए डॉक्टर की संख्या कभी 0 हो सकती है, नहीं। आप अगर क्रमिक में बात किए धनी लोगों की सूची का, तो धनी लोगों की सूची भी कभी 0 नहीं हो सकती है। दो इकाइयों के मध्य अंतर को अंतराल मापन कहते हैं। अंतराल भी कभी 0 नहीं हो सकता है, अर्थात 0 अगर कोई होगा तो केवल आनुपातिक मापन होगा, और यह सबसे बेहतरीन, सबसे वस्तुनिष्ठ, सबसे विश्वसनीय मापन होता है, तथा इस मापन में शून्य आ सकता है। तो दोस्तों यह आपका था मापन। अगर कोई डाउट आपको रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या कमेंट करेंगे तो हम जरूर आपका रिप्लाई देंगे। अगर कोई भी डाउट आपको है तो आप कमेंट करिए। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।